अच्छे से कही कि महिलाएं जगत जननी और उनको आप सारे एस्पेक्ट्स में वो बराबर है। उन्होंने कहा अगर केवल उनका बायोलॉजिकल डिफरेंस छोड़ दीजिए आप तो वो इक्वल है इन ऑल पैरामीटर्स और उनको बराबर का मौका देना चाहिए, उनके बीच में कोई डिस्पैरिटी नहीं की जानी चाहिए। यानी इन दोनों चीजों से एक बात बहुत क्लियर है कि पार्टी लाइन से और जो भी गाइडलाइंस है उससे इस बात को बहुत क्लियर इंडिकेशन है डाउन द लाइन कि आप सम्मान करिए। लेकिन यह बेहद अफसोसनाक है कि इतने बड़े पद पर बैठने वाला नेता अगर अपनी जबान कहीं मतलब इन चीजों को, अगर मैं, मेरा मानना है कि अगर कहीं मान लिया आपको किसी ने कमेंट किया भी तो आपको उसे हजम कर जाना चाहिए था, आपको उसकी चर्चा कम से कम वहां पर नहीं करनी चाहिए थी, अपने ड्रॉइंग रूम में कर ले, अपने मित्रवत मित्रों से कर ले। कम से कम जब आप एक बयान दे रहे हैं एक बड़े नेता के रूप में तो यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये एक बड़ा गलत संदेश देता है अगर आप करेंगे इस पद पर, महासचिव पद पर बैठ के जो जो टीवी चैनल्स के सामने खुल के हंसते हुए इस तरह के बयान दे, वो ड्राइंग रूम में अपने ऑफ रिकॉर्ड तो पता नहीं क्या बातें करते होंगे, ये भी आप और हम अच्छे से जानते हैं सर। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है इस कमेंट को, मैं कहता हूँ। हालांकि उन्होंने सुरक्षित चलने की कोशिश की, मैं फिर कह रहा हूँ एट्रीब्यूट किया किसी और को कि दिस वाज कोटेड बाय समबडी, बट इवन देन अगर मैं इसको सच भी मान लूं, चलना मतलब इतना जरूरी था क्या ये कमेंट करना, क्या उनके पास कोई और, मैं यही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं मान लूं कि किसी ने कमेंट किया भी, किसी अन्य ने किया, लेकिन वो एक राजनेता के रूप में आपको वह बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, आपको उस चीज को कमेंट उस रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यूपी की राजनीति में अब राजनेताओं के जो चरित्र है, चाल है, चेहरा है, वो बहुत चीजें हैं, लेकिन बीजेपी को नॉर्मली एक प्रेजेंट किया जाता रहा है कि पार्टी विद अ डिफरेंस, और उसके बाद भी अगर राजनेताओं से इस प्रकार की चीजें आएंगी तो वो बड़ा गलत मैसेज देती है, वो बड़ा गलत मैसेज देती है। याद है कोरोना के वक्त में आपने यूपी याद दिलाया, कोरोना के वक्त में अजय सर आपको भी ध्यान होगा, वो बीजेपी के ही एक नेता उत्तर प्रदेश के बड़े, जिनके बेटे ने जो एक लखनऊ में एक लड़की को बैंकॉक से बुलाया गया था और उसकी मौत हो गई थी, और जब ये मामला सारा सब सामने तब आया था, तो चाल चरित्र चेहरा उत्तर बोरा, प्रदेश बोरा के बोरा का चाल चरित्र चेहरा किसी भी पार्टी का लोगों से मिलकर बनता है, और किसी भी लोगों की गारंटी आप नहीं ले सकते हैं सर। बड़ी बात यह कि पार्टी अगर आगे बढ़ रही है तो उसके नियम कायदे उसके मुखिया को बनाने होते हैं, उसे कंट्रोल करने होते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का इस आधार पर लड़ जाते हैं कि यहाँ पर महिलाएं लड़कियां अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और अमित शाह जी आकर के 2022 के इसी विधानसभा चुनाव में आके ये बोल जाते हैं कि लड़की अब गहने पहनकर स्कूटी पे रात को 12 बजे घूम सकती है, तो वो अपने। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।